हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। टोल पर जाम से मिलेगी मुक्ति, सरकार लागू करने जा रही है GNSS तकनीक, गेट फ्री होंगे प्लाजा, बिना रुके कटेगा पैसा। खबर है कि सफर के दौरान हाईवे पर टोल प्लाजा पर हमेशा गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। इस जाम की वजह से यात्रियों को कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि फास्टैग के आ जाने से टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत वक्त में कमी आई है, लेकिन आने वाले समय में टोल पर रुकने की झंझट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार जल्द ही टोल प्लाजा पर एक खास तकनीक लागू करने जा रही है। इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात नहीं बनेंगे। बता दें कि राज्यसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत वक्त में कमी आई है। यह वेटिंग टाइम औसत 734 सेकंड का था, जो कि अब घटकर केवल 47 सेकंड रह गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे पर फास्टैग लगने के बाद से टोल प्लाजा के कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि एबीपी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर से बीजेपी के सांसद ने पूछा कि सरकार टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम पर क्या कर रही है, क्या इस समस्या के लिए किसी नए सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जल्द ही ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर आधारित गेट मुक्त प्लाजा बनाएंगे। इससे लोगों को प्लाजा पर कुछ वक्त के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। इस पर योजना काम करने के लिए सरकार ने एक कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया है। तीनों सेनाओं में 11,000 से ज्यादा ऑफिसर की है कमी, मेजर फ्लाइट लेफ्टिनेंट से लेकर ये पद है खाली। खबर है कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 11,000 से अधिक ऑफिसर्स की कमी है। खाली पड़े इन पदों में आधे से अधिक इंडियन आर्मी से संबंधित हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना में मेजर और कैप्टन जैसे रैंक के अधिकारियों की कमी है। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी है, और इसी तरह से भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के अधिकारियों समेत अन्य कई अधिकारियों की कमी है। तीनों सेनाओं में कुल 11,266 अधिकारियों की कमी बताई जा रही है। खाली पड़े इन पदों को लेकर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान अधिकारियों की कम भर्ती हुई थी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में अधिकारियों की कम भर्ती होना भी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में मेजर और कैप्टन और समकक्ष और अन्य रैंक के अधिकारियों की कमी का एक बड़ा कारण है। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में संसद को लिखित जानकारी में बताया है कि भारतीय थल सेना में 6800 से अधिक अधिकारियों के पद खाली हैं। थल सेना में मेजर स्तर के 2094 और कैप्टन स्तर के 4734 अधिकारियों की कमी है। वहीं अगर बात करें भारतीय वायुसेना की, तो वायुसेना में 881 स्क्वाड्रन लीडर और 940 फ्लाइट लेफ्टिनेंट की कमी है। बीजेपी विधायक ने पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा पीएम मोदी की प्राथमिकताएं गलत हैं। खबर है कि मणिपुर के हालातों को लेकर अब प्रदेश के बीजेपी विधायक ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। मणिपुर से भाजपा के विधायक पाउलिन लाल हाउकिप ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मीडिया के सामने मणिपुर को लेकर दिए गए बयान की आलोचना की है। भाजपा विधायक ने कहा कि 79 दिनों की हिंसा तो अलग, पीएम मोदी को इतनी बड़ी त्रासदी पर अपनी चुप्पी तोड़ने में एक हफ्ते का समय लग गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत है। बता दें कि न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में हाउकिप ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से अमेरिका रवाना होने से पहले संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने का समय नहीं मिला। पाउलिन लाल ने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि के तौर पर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, कोई जवाब ही नहीं दिया गया। आज भी हम उनसे मिलने का अवसर तलाश रहे हैं ताकि उन्हें इस मामले की गंभीरता से अवगत करा सकें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान, बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता होने वाले हैं पार्टी में शामिल। देश में होने वाले अगले आम चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। विपक्षी दलों ने जहां महागठबंधन कर लिया है, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मास्टर प्लान है कि हर महीने दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई जाए। सपा विधायक दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
सुभाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर और एलजेपी के चिराग पासवान भी अब बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा 24 जुलाई को सपा और आरएलडी के कई नेता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों का कहना है कि आरएलडी नेता व पूर्व सांसद राजपाल सैनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ सकते हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर, सपा नेता सुषमा पटेल, गुलाब सरोज और पूर्व विधायक अंशुल वर्मा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति, अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी भरा पानी। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। राज्य के नवसारी और जूनागढ़ जिले भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जूनागढ़ में कई कार और मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। वहीं कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला। यहां भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। लोगों को पानी के अंदर से चलकर जाने की भी नौबत आ गई है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से नवसारी के निकट मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके के विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी सीटें। जल्द ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों का गणित बदल सकता है। केंद्र सरकार विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीटें और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया जा सकता है। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस संबंध में नया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 ला सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नए विधेयक में मौजूदा अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके 2 नई धाराएं 15A और 15B शामिल की जाएंगी। धारा 14 में संशोधन से सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है। धारा 15A और 15B में 3 आरक्षित सीटों की जानकारी होगी। गूगल प्ले स्टोर पर हुई चैट जीपीटी एप्लीकेशन की एंट्री, एंड्रॉयड यूजर्स को जल्द मिलेंगे खास फीचर्स। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चैट जीपीटी ऐप को अब गूगल प्ले स्टोर पर लिस्ट किया गया है। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके लोगों को दी है। आपको बता दें कि एप्पल यूजर्स पहले से ही इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपन एआई ने ट्वीट करके बताया कि चैट जीपीटी को एंड्रॉयड यूजर्स के अगले सप्ताह लॉन्च किया जा रहा है और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी प्री बुकिंग 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अगर आप एआई फीचर्स का यूज करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के बिंग एप्लीकेशन के जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए जारी किया गया है। चैट जीपीटी के एंड्रॉयड वर्जन को एकदम सही समय पर लॉन्च किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि जून के महीने में वेब ट्रैफिक और ऐप इंस्टॉलेशन में गिरावट आई है, जिसको देखते हुए ओपन एआई ने ये कदम उठाया है। केंद्र सरकार के 6,36,000 मामले देश की अदालतों में है लंबित, सबसे अधिक वित्त मंत्रालय के। खबर है कि देश की विभिन्न अदालतों में केंद्र सरकार के 6,36,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें से सर्वाधिक लंबित मामले वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इन मामलों की सुनवाई और पैरवी पर वर्ष 2022-23 में करीब 54.35 करोड़ रुपए का खर्च आया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम यानी LIMBS पोर्टल के मुताबिक देश भर में केंद्र सरकार के कुल लंबित मामलों की संख्या 6,36,605 है। इसमें से वित्त मंत्रालय के सर्वाधिक 1,79,464 मामले हैं और रक्षा मंत्रालय के 87,543 मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा श्रम और रोजगार मंत्रालय के 80,117 मामले, गृह मंत्रालय के 23,000 मामले और शिक्षा मंत्रालय के 17,000 से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए 3,665 मामले अदालतों में लंबित हैं। उड़ जाएगी ट्विटर की नीली चिड़िया, एक्स हो सकता है ट्विटर का नया लोगो। खबर है कि एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब अटकलें लग रही हैं कि मस्क अब कंपनी का ब्रांड और लोगो बदलने जा रहे हैं। दरअसल इस बात का कयास एलन मस्क के ट्वीट के बाद लगाया जा रहा है। एलन मस्क ने ट्वीट किया कि अगर आज रात एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट किया जाता है तो हम कल इसे दुनिया भर में लाइव कर देंगे। इसके साथ ही मस्क ने एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें ट्विटर का
का लोगो एक्स में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। मस्क ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे धीरे सभी पक्षियों को अलविदा कह देंगे। गौरतलब है कि एलन मस्क ने करीब 4 महीने पहले ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया हटाकर एक डॉग बना दिया था। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की फोटो खींचने पर एक्शन, तीर्थयात्री ने माफी मांगते हुए चुकाया 11,000 का अर्थदंड। खबर है कि केदारनाथ मंदिर में रोक के बावजूद फोटो खींचने का मामला सामने आया है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कथावाचक के साथ कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को कथावाचक मुरारी बापू केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे थे। जब वे गर्भगृह में दर्शन कर रहे थे, उसी समय किसी श्रद्धालु ने चुपके से फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो वायरल होने के बाद मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कंगाल कर यात्री की पहचान इंदौर निवासी लक्ष्मी नारायण पानेरी के रूप में हुई है। बीकेटीसी को दिए लिखित माफीनामे में लक्ष्मी नारायण ने गलती पर क्षमा मांगी है। उन्होंने अपनी गलती पर अर्थदंड के रूप में 11,000 रुपए की विशेष दान की पर्ची कटवाई है। गौरतलब है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में लोगों द्वारा वीडियो और रील बनाने पर सोशल मीडिया पर उसको शेयर किए जाने पर सामान्य श्रद्धालुओं की आपत्तियों का संज्ञान लेते हुए इस महीने से मंदिर में फोटो और वीडियो बनाना प्रतिबंधित कर दिया है और इस संबंध में समिति ने मंदिर के बाहर बकायदा बोर्ड भी लगा दिया है। टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियन गेम्स 2023 में नहीं ले पाएंगे भाग, यह है इसकी वजह। खबर है कि ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दहिया एशियाई खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए ट्रायल्स में वह 57 किलोग्राम भार वर्ग में अतीश टोडकर से हारकर बाहर हो गए हैं। दहिया से महाराष्ट्र के रहने वाले टोडकर के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। उन्होंने कुछ शानदार अंक बनाए लेकिन टोडकर ने आखिर में उन्हें चित कर दिया। दहिया के मामले में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। टोडकर तब 20-8 से आगे चल रहे थे जब उन्होंने दहिया के कंधे को जमीन पर लगाया। टोडकर ने दहिया को लगातार चकमा दिया और अपने शानदार खेल से उलटफेर भरी जीत दर्ज की। दहिया ने अपने दाहिने घुटने में एंटीरियर क्रूसिएट लिंगामेंट और मेडियल कोलेटरल लिंगामेंट की चोटों के कारण किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ तथा दक्षिणी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश संभव है। पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दिल्ली में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज का सुविचार, जीवन में हमेशा सही वक्त का इंतजार करें क्योंकि वक्त से पहले और वक्त के बाद मिली चीजों का कोई मोल नहीं होता। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।